सभापति महोदय, मनीष जी ने बड़ा एक इतिहास का लंबा आरोपण यहां पर किया पृष्ठभूमि समझाने के लिए, वो इससे कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, मगर एक सीमा पर आकर वो रुक गए इतिहास में। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि आपने इतिहास तो कहा कि भारत ने अपनी सेनाएं भेजी, सेनाओं ने खदेड़ा घुसपैठियों को, और घुसपैठियों के स्वांग में जो पाकिस्तान की सेना के जवान थे, अधिकारी थे उनको, मगर मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। जब हमारी सेना विजयी हो रही थी तब, और ये सारा यश दिया उन्होंने कि जवाहरलाल जी के नेतृत्व में सब हुआ, जवाहरलाल जी के कारण हुआ, और दैट इज वाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा है। मगर सभापति महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सेना विजयी हो रही थी, सेना काफी पाकिस्तानी कबलाइयों के क्षेत्र में अधिकार में आई हुए हमारा हिस्सा जीत कर आई थी, तो अचानक एक तरफा शस्त्र विराम किसने कर दिया? किसने किया? मैं मनीष जी बताना चाहता हूं, वो भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और इसी के कारण आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, इसी के कारण पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। अगर सेनाओं को छूट देते हमारा पूरा हिस्सा जीतने की, तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पूरा का पूरा भारत का अधिकृत होता। उन्होंने कहा कि ये किया वो किया, मैं पूछना चाहता हूं भाई, बाद में नहीं, ठीक है, 47 में गिलगित और बाल्टिस्तान मेजर ब्राउन उसको दे दिए। मैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की ही बात कर रहा हूं अभी, क्योंकि इन्होंने पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का रेफरेंस दिया था। बाद में यूएन का रेफरेंस किया अधीर रंजन जी ने, यूएन में ले कौन गया, कौन ले गया? ढेर सारे दस्तावेज जो है साहब, देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को विश्वास में लिए बगैर आकाशवाणी के रूम में जाकर वायु प्रवचन कर दिया कि भारत इस मसले को 35 सेक्शन के अंदर ले, सेक्शन भी ठीक पसंद करते, शशि थरूर जी को मालूम है ना, ना मत बोलिए, अब आप बोलिए भैया, आप बोलिए, आप बैठिए, मैं जवाब देता हूं भाई, आप बैठे दो, बैठिए ना, मैं बताता हूं। इंटरनेशनल सिचुएशन की तो आज दुहाई आपने भी दिए, मत करिए, इंटरनेशनल सिचुएशन क्या होगी, मगर देश हित का जब मामला होता है, हमने निर्णय हमारे देश की स्थिति समझने के लिए था। माननीय अध्यक्ष जी, यूएन में कौन ले गए? यूएन के अंदर श्री जवाहरलाल नेहरू जी ही ले गए, ये भी इतिहास का मामला। इन्होंने कहा कि कश्मीर के लिए उनके बारे में ठीक नहीं सोचा जा रहा है, अब इतिहास में तो जो घटनाएं होगी इसी के आधार पर ही सोचा जाएगा, ये घटना के बारे में भी इतिहास कभी न कभी तय करेगा कि सच्ची है ये, ठीक है देश के लिए या नहीं है, मगर मुझे भरोसा है जब भी ये घटना का जिक्र होगा नरेंद्र मोदी जी को देश सालों सालों तक याद रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 371 का क्या करो, और बड़े वकील है साहब, मैं तो लॉ पढ़ा नहीं हूं, 371 और 370 के बीच का अंतर मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। 370 जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थाई उपबंध, अस्थाई शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है मान्यवर, ये पहले से कहा गया है कि अस्थाई उपबंध है, और 370 हटाने की जरूरत इसलिए है कि वो देश की संसद का अख्तियार वहां पर कम करता है। देश में आगे बताऊंगा ढेर सारे कानून जो जनता के बारे में अच्छाई के लिए हम बनाते हैं, वो जम्मू कश्मीर की जनता तक पहुंचते नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद की भावना को पाकिस्तान पेट्रोल डालकर भड़का रहा है, ये 370 के कारण। मैं आगे आऊंगा इस विषय पर, और 371 में पढ़ना चाहता हूं मान्यवर, 371 है, 371 है,
महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष स्पेशल प्रोविजन और ये टेम्पररी प्रोविजन है, दोनों के बीच का अंतर आप समझ लीजिए मान्यवर। और दोनों के बीच में और अंतर क्या है मैं समझाता हूं। मैंने कहा 370 से क्या हो रहा है, 370 से इस देश के कानून की रीच वहां नहीं पहुंचती, वहां के लोगों में अलगाववाद होता है, वहां की असेंबली के मंजूरी के अलावे कोई कानून देश की संसद का वहां नहीं पहुंचता है। और 371 क्या है, 371 मूल जो है महाराष्ट्र और गुजरात विदर्भ मराठवाड़ा सौराष्ट्र कच्छ के लिए विकास के बोर्डों की रचना करना, इसमें क्या आपत्ति है, क्यों भला हम उसको निकाल देंगे। 371 ए नागालैंड के नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथा भूमि और संसाधनों के आधार आदि के स्वामित्व के लिए वो असेंबली निर्णय कर दे। 371 बी असम राष्ट्रपति उत्तरी कच्छार कार्बी आगलोंग और बोडोलैंड टेरिटोरियल जिलों जैसी जनजातीय क्षेत्रों के विधानसभाओं को विधानसभा की अन्य समिति के गठन में बाहुल्य देंगे। हम ये क्यों निकालेंगे, ये कहीं पर भी देश की एकता और अखंडता के लिए बाधक नहीं है। 370 का और 371 की कंपैरिजन करकर आप देश की जनता को गुमराह करना चाहते हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। देश की जनता सब समझती है 370 और 71 के बीच में अंतर क्या है मान्यवर। इसी तरह से मणिपुर आंध्र प्रदेश का विश्वविद्यालय, सिक्किम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक, ये सारे राज्यों की कुछ कुछ बेसिक समस्याओं को सुलझाने के लिए 371 से 371 जे तक अलग अलग अनुच्छेद लाए गए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मान्यवर कि 370 और 371 का कंपैरिजन हो नहीं सकता। और मैं स्पष्टता करना चाहता हूं क्योंकि रिकॉर्ड पर कहा गया है कि 371 भी ये सरकार हटा लेगी तो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का क्या होगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं महाराष्ट्र कर्नाटक आंध्र और नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोई मंशा 371 को हटाने की नहीं है। वो आश्वस्त रहे, किसी से गुमराह होने की जरूरत नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि 300 जो रास्ता हमने लिया है वो ठीक नहीं। मैंने अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी रास्ते पर आपने दो बार 370 के अंदर संशोधन जवाहरलाल जी के समय में और बाद में इंदिरा जी के समय में किया। उस वक्त वो रास्ता ठीक था और हम जब समस्या को निर्मूल करने के लिए जा रहे हैं तब रास्ता ठीक नहीं लगता है। रास्ता तो ठीक है, रास्ता आपकी वोट बैंक के आड़े आता है इसलिए आपको ठीक नहीं लगता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहन सुप्रिया सुले ने काफी सारे सवाल उठाए कि अभी फोन नहीं लग रहे हैं, इतने सारे सुरक्षा बलों को वहां भेज दिया गया है, इंटरनेट नहीं चल रहा है। मैं उनको याद कराना चाहता हूं 89 से 95 तक ऐसा ये तो कुछ नहीं है। मसूदी साहब यहां पर उपस्थित है, क्या हुआ था घाटी के लोग जानते हैं, जम्मू के लोग जानते हैं। आतंकवाद इतना बड़ा कि सालों तक कर्फ्यू रखना पड़ा था, फोन छोड़िए खाना पीना ब्रेड बटर नहीं मिलता था। और ये तो हम इसलिए रखे हैं कि कोई अगर गुमराह कर वहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को ठीक बिगाड़ना चाहता है तो उसको मौका न मिले। बाकी कोई कारण नहीं है, कोई वहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। और प्रिकॉशंस लेने से आप सरकार को कैसे रोक ले सकते हो। भाषण के टोन तो ऐसे थे कि आपके दबाव में आपका आकर हम सुरक्षा बलों को हटा ले और वहां पर कुछ घटनाएं हो, कुछ नहीं होगा, ना हम आपके दबाव में आएंगे ना सुरक्षा बल हटेंगे ना वहां पर कुछ होगा।